हेलो दोस्तों, टेक्निकल सैन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आपका का जो फोन के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो, तो इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर जितना सारे आपका जो डाटा सर्च करते हैं या फिर देखते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो वेब ब्राउजर एंड इमेजेस, यूट्यूब वगैरह, जितने सारे आपका जो डेटा सर्च करते हैं एंड देखते हैं, तो उसके अंदर देखने के बाद, सर्च करने के बाद आपका जो सर्च हिस्ट्री होता है वो आपका क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च हिस्ट्री पर ऐड होकर रहता है। लेकिन उस सर्च हिस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने डिलीट कर देते हैं, आप लोगों ने जो डिलीट कर देते हैं, तो आपको मालूम पड़ता नहीं है कि आपका डिलीट करने के बाद आपका जो सर्च हिस्ट्री होता है, ठीक है, वो आपका नहीं रहता है, परमानेंटली रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो आपका नहीं है, आपका जितना सारा चीज़ आपका जो सर्च करते हैं आपका वेबसाइट के अंदर देखते हो, ठीक है, वो देखने के बाद आपका सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देने के बावजूद भी आपका और एक ऑप्शन है जो कि आपका ईमेल के अंदर, जो कि माई एक्टिविटी बोल के एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसके अंदर, तो वो सेटिंग्स आपको पता नहीं है। तो उसके अंदर आपका जितना सारे आपका वो जो ब्राउज़र के अंदर सर्च करते हैं एंड जो भी आपका वीडियोस वगैरह एंड जो भी मतलब आपका पढ़ते हैं या फिर देखते हो, तो वो आपका उसके अंदर और एक ऑप्शन के अंदर ऐड होकर रहता है। तो उसको आपको कैसे डिलीट करना पड़ता है एंड उस सेटिंग्स आपको कहाँ पर है, तो वो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो से दिखाऊंगा एंड लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एंड उसके अंदर जो भी डाटा है वो आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखते रहिए। सब चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस सिंपल आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली गूगल ओपन कर लेनी है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में जो आपको आपका जो ईमेल का लोगो देखने को मिल रहा है उसके पर सिंपल आपको प्रेस करना है। उसके पर सिंपल आपको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो मैनेजर गूगल अकाउंट। तो सिंपली मैनेजर गूगल अकाउंट के ऊपर प्रेस करना है एक बार, ठीक है। तो सिंपली उसके ऊपर आपको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो डाटा एंड पर्सनलाइजेबल के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको सिंपली एक बार प्रेस करना है। उसके बाद उसके ऊपर सिंपली आपको एक बार प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेब एंड ऐप एक्टिविटी, मतलब आपका जितना सारा आपका ब्राउजर पर जितना सारा सर्च किया हो तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब पर जितना सारे वॉच किया हो वो भी आपको यहाँ पर ए टू जेड आपको देखने मिलेगा, ठीक है। शुरू से लास्ट तक जितना सारे आपका डेटा यहाँ पर यूज़ किया हो यहाँ पर देखा हो, उसके आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना। आपको यहाँ पर देख सकते हो एक्टिविटी एंड टाइमलाइन, ठीक है। जितना सारा आपका वेबसाइट के अंदर वॉच किया हो या फिर पढ़ाई वढ़ाई किया हो तो वो आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स पर देखने को मिल जाएगा। आपका जो सर्च हिस्ट्री है वो सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के बावजूद भी आपका यहाँ पर जो भी आपका देखा हो तो वो आपका बहुत आसानी से यहाँ पर आपका रह जाता है। उसके साथ आपका जो लोकेशन है वो भी आपका यहाँ पर ऐड होकर रहता है। आपका यहाँ पर देख सकते हो टाइम लाइन यहाँ पर सी हो रहा है बिन बैच ऑन योर लोकेशन हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका जहाँ से आपका देखते हो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका जो भी डेटा आपका यहाँ पर रीड किया हो, देखा हो या पर वॉच किया हो, तो वो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर आपका एक्टिविटी होकर ऐड होकर रहता रहता है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर माई एक्टिविटी बोलकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह आपका यहाँ पर देखने को मिलता है जो भी डेटा वगैरह है। तो सिंपली आपको यहाँ पर तो माई गूगल एक्टिविटी, तो आपका जितना सारा डेटा आपको यहाँ पर मैंने जितना सारा सर्च किया हूँ वो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ से मैंने सर्च किया हूँ सब कुछ आपका यहाँ पर डेटा बहुत यहाँ पर ऐड होकर रहता है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखा था गूगल से, तो वो भी आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो जितना सारा आपका डेटा है वो सर्च किया हो आपका गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, ठीक है, तो सब कुछ आपका यहाँ पर ए टू जेड आपका यहाँ पर ऐड होकर रहता है। आपका जो ब्राउज हिस्ट्री होता है तो हिस्ट्री पर डिलीट कर देने के बाद भी आपका ये डेटा आपका ऐड होकर रह जाता है आपका क्रोम ब्राउज़र के अंदर। उसके साथ आपका जो लोकेशन है, ठीक है, वो लोकेशन भी आपका यहाँ पर ऐड होकर रहता है, ठीक है। तो सब कुछ आपका हिस्ट्री यहाँ पर देखने मिलता है। काफ़ी सारे लोगों ने जो क्या उसका दिमाग में आता है कि आपका जो हिस्ट्री होता है वो हिस्ट्री डिलीट करने के बाद उसका दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं तो हिस्ट्री पूरा कंप्लीट डिलीट कर दिया तो मेरा अभी कोई भी यहाँ पर डेटा मेरा क्रोम ब्राउज़र के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन आपका फैमिली गलत है, ठीक है। तो जो भी डेटा है आपका वो डिलीट करने मतलब सर्च हिस्ट्री पर रिमूव करने के बाद भी आपका यहाँ पर माई एक्टिविटी बोल के जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका सब कुछ डेटा आपका ऐड होकर रहता है। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको सिंपली ये जो मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा दिया हूँ तो सिंपली उसके अंदर जाना है। तो उसके अंदर आपको जाने के बाद आपको कहना क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हो आपका जो ईमेल का जो लोगो है उसके नीचे आपको जो थ्री डॉट देखने को मिल रहा है सिंपली उसके ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद सिंपली प्रेस करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो डिलीट एक्टिविटी बाई, तो सिंपली उसके ऊपर आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो लास्ट आवर लास्ट डे ऑल टाइम कस्टम रेंज, ठीक है। तो आपका यहाँ पर शुरू से लेकर आज तक मतलब लास्ट तक जितना सारा डेटा आपका यहाँ पर सर्च किया हो या फिर देखा हो तो सब कुछ आपका यहाँ पर देखने मिल जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर यहाँ से डिलीट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सिंपली ऑल टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो जितना सारा यहाँ पर मैंने सर्च किया हूँ यहाँ पर देखा हो तो सब कुछ आपको यहाँ पर डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तो डिलीट, ठीक है। तो सिंपली डिलीट के ऊपर आपको प्रेस कर देनी है। सिंपली डिलीट के ऊपर प्रेस करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर मेरा डाटा है वो सब कुछ मेरा यहाँ पर डिलीटेशन कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो भी एक्टिविटी है वो अभी यहाँ पर फाइनल डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली गॉट इट के ऊपर प्रेस कर देनी है। तो गॉट इट के ऊपर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी मेरा यहाँ पर डाटा अभी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर देख सकते हो नो एक्टिविटी, ठीक है। तो कोई भी मेरा यहाँ पर डाटा अभी नहीं है। तो सिंपल आपको इस तरह आपको यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर डिलीट कर सकते हो आपका ब्राउजर के अंदर, ठीक है।
जो भी डेटा आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पर रख सकते हो, या फिर कोई भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो वो आपका यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आपको यहाँ पर माई एक्टिविटी पर जाकर आपका जो भी सर्चेबल डेटा है वो आपको बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हो। तो आइए आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई भी सवाल सुझाव है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोस एंड मोबाइल रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड एंड यूट्यूब ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पढ़ लेता रहता है सबसे। सो फ्रेंड्स, लास्ट के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टेक्नोलॉजी बेस्ट तक के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।